जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के छतों में कई योजनाओं की शुरुआत करेगी। इसके पूर्व 19 नवंबर को 80 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर जा चुकी है। इस बार वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक और कच्चे बर्तन को पकाने के लिए सार्वजनिक भट्टी स्थापित कराएगी। उनकी इस योजना का लाभ अमेठी के 5 विधानसभा के कुम्हारों को मिलेगा। इसके अलावा लगभग 500 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने का काम करेंगी। वहीं अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा क्षेत्र में आलू की पैदावार अच्छी है, जिसे देखकर यहां पापड़ बनाने का यूनिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने स्मृति ईरानी के इस कदम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ जब आती हैं तो बातें बड़ी बड़ी करती हैं, योजनाएं बहुत लागू करती हैं, तमाम प्रोजेक्ट लेके आती हैं, केवल कागजों पर लेकर आती हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। उनके सवाल उठाते ही कहा कि इससे पहले उन्होंने यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात क्या कही आपको दिखा? बिस्कुट की उन्होंने बात की कि अमेठी में बिस्कुट बनेंगे, कहीं आपको दिखा? जूट की उन्होंने बात की जहाँ से बांध कर निर्यात होंगे, कहीं कुछ दिखा? उन्होंने कहा, हम इतना ही कहना चाहते हैं, योजनाओं को लाकर अमेठी में घूमना अलग बात है, कागजों अखबारों में किसी बात को कह देना, धरातल पर लाना बहुत बड़ा अंतर है। आज वो कुम्हारों की बात कर रही हैं जबकि किसानों को जिंदा रहना मुश्किल है। भैया, स्मृति ईरानी 23 दिसंबर को अमेठी में जो है कुम्हारों को जो है इलेक्ट्रॉनिक चाक दे रहे हैं, इस तरीके से लगातार वो अमेठी में सक्रिय नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी यहाँ जब भी आती हैं बातें बड़ी बड़ी करती हैं, योजनाएं बहुत लागू करती हैं, तमाम प्रोजेक्ट लेके आती हैं, लेकिन केवल कागजों पर लेकर के आती हैं, यहाँ धरातल पे कुछ भी नहीं। इसके पहले उन्होंने यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात की, क्या कहीं आपको दिखा? बिस्कुट की उन्होंने बात की कि अमेठी में बनेंगे बिस्कुट, कहीं आपको दिखा? फिर बीच में इन्होंने जूट की बात की कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से बाद के निर्यात होंगे, उस पर हम काफी ध्यान देंगे, कहीं कुछ दिखा? हम इतना ही कहना चाहते हैं, केवल कागजों पे और अखबारों में किसी बात को कह देना और उसको धरातल पे लाना बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ के प्रति कभी कोई अच्छी सोच नहीं रही है। कुम्हारों की बात कर रहे हैं, किसान का जिंदा रहना मुश्किल है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जो उनकी मिट्टी के चाक चल रहे हैं, अगर वही चलने दें तब भी बहुत बड़ी इनकी आभार रहेगा अमेठी के लोगों के प्रति। हम तो केवल यही कहना चाहेंगे, केवल कागजों पे कह देना, घोषणाएं कर देना, किसी का योजनाओं को ला करके उसके बहाने अमेठी में घूमना अलग बात है, और धरातल